ऊंचा है। बहुत है तारे फिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत हैं समय के धारे। और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे, जमी हम सारे, जमी हम सारे। छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है। आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। आशा देखो देखो, यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ, सभी चीजें बहुत छोटी दिख रही हैं। अंतु और आशा बेटी, आ गए तुम छत पर से होकर? हाँ माजी। हाँ अच्छा, तो बताओ बेटे, तुम्हें छत पर से नजारा कैसा लगा? मामा जी, बहुत शानदार नजारा था। समुद्र किनारे लंबी सड़क और उसके ऊपर मोटर कारें दौड़ती बिल्कुल खिलौने की तरह दिख रहा था। मामा जी, हम और थोड़ा ऊपर देखने को जाए तो कैसा लगेगा? कारें बिल्कुल चींटी की तरह दिखाई देंगी। और अधिक ऊंचाई से बेटे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक मिनट, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ। हाँ, ये है वो किताब। ये देखो, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें हमें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। ये देखो मोटरें, ये देखो बिल्डिंग, ये है पृथ्वी का चित्र। हम अधिक ऊंचाई से देखेंगे ना बेटे, तो पृथ्वी हमें इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ तक कि बहुत ऊपर अगर हम अंतरिक्ष में पहुंचेंगे ना, तो वहां से पृथ्वी हमें गोल गेंद की तरह दिखाई देगी। और बड़े बड़े समुद्र और जंगल नीले हरे सफेद धब्बे जैसे दिखाई देंगे। जी, ये दृश्य तो काफी ऊपर का होगा, इसे हम कैसे देख सकेंगे? इसके लिए हमें इतनी ऊंचाई पर जाने की कोई जरूरत नहीं बेटे, हम वो दृश्य यहीं से देख सकते हैं। वो कैसे मामा जी? वो हम उपग्रह द्वारा देख सकते हैं बेटे। उपग्रह? हाँ हाँ मामा जी, मैंने एक कॉमिक में पढ़ा था उपग्रह के कारनामे, उसमें एक जासूस भी होता है। कॉमिक्स में देखा था ना, वैसे ही उपग्रह। पर मामा जी, ये उपग्रह सचमुच में होता कैसा है? वो बेटे इस तरह का होता है, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो। पर मामा जी, इस उपग्रह को हम ऊपर कैसे भेजते हैं? रॉकेट के द्वारा उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट जो हम दिवाली में भेजते हैं वो? पर ये बहुत बड़ा होता है, जो टनों के वजन के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाता है। ये रॉकेट जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है वो तीन या चार हिस्सों में बना होता है। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर एक हिस्से का ईंधन खत्म हो जाता है, तब दूसरे हिस्से का ईंधन जल उठता है और खत्म हुआ पहला हिस्सा नीचे गिर जाता है। इसी तरह दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा हिस्सा खत्म हो जाता है। अंत में आखिरी हिस्सा अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है, इसलिए उपग्रह धरती पर वापस नहीं गिरता बल्कि वही स्थिर हो जाता है। और कुछ रॉकेट ऐसे एंगल पर भेजे जाते हैं जिसके कारण उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचते ही उसे एक गति मिल जाती है, जिसके कारण वो शून्य में घूमने लगता है। इसमें लगे लेंस पृथ्वी के चित्रों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा धरती पर प्रसारित करने लगते हैं। हम इन तरंगों को अपने यंत्रों पर खींचकर देखते हैं और अब देखो यहाँ बैठे बैठे हमें पृथ्वी का चित्र दिखाई दे रहा है। मामा जी हमने कॉमिक पढ़ा था उसमें लिखा था कि उपग्रह जासूसी भी करता है। मामा जी उसमें एक जासूस भी रहता था। बेटे कॉमिक से काल्पनिक चीज है और उपग्रह से हमें बहुत से फायदे हो सकते हैं। वो हम तुम्हें वीडियो फिल्म में दिखाएंगे। वीडियो फिल्म? हाँ वीडियो फिल्म में दिखाएंगे। अब देखो उपग्रह किस तरह से जासूसी करता है। ये उपग्रह दुश्मन के गुप्त ठिकाने का पता लगा रहा है। उपग्रह के द्वारा ये आर्मी ऑफिसर दुश्मन की सेना को देख रहा है और अपने लड़ाकू पायलट को दुश्मन की सही पहचान बता रहा है। तुम तो एकदम डर गए, ये क्या बात हुई? क्या सचमुच उपग्रह ऐसे काम करता है? ये तो बहुत जासूसी करता है मामा जी। बात सिर्फ जासूसी की नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक तो है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मार। उपग्रह से विनाशक हथियार पृथ्वी पर फेंके जा सकते हैं। क्या इसी को स्टार वॉर कहते हैं? जी हाँ, और इस विनाशकारी युद्ध की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर स्टार वॉर हुआ ना तो हमारे पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व तो मिट ही जाएगा। पर मामा जी ये उपग्रह तो बहुत बुरी चीज है। ये बात नहीं अंतु, हर आविष्कार के अच्छे और बुरे दोनों तरह के उपयोग हो सकते हैं। हम अणु शक्ति को ही देखें तो उसका उपयोग एटम बम बनाकर सर्वनाश करना ही नहीं है, उसका उपयोग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के उपचार में भी हो रहा है। इसी तरह उपग्रह के भी बहुत फायदे हैं। जरूर मैं समझ गई, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे? वो चूचू की आवाज आ रही है। ये क्या आशा, प्लीज मेरा पेट क्या चूहों का घर है? हाँ हाँ बहुत बड़ा घर है। चुप। अच्छा मैं अभी लग का मजा है। अगर पहले बता देती तो एक भी रसगुल्ला ना बचता। चुप। फोन। हाँ, देखता हूँ। हेलो कौन? भानु, कहाँ से? लंदन से बोल रहे हो? हाँ भाई यहाँ सब मजे में है, तुम कैसे हो? क्या आशा से बात करोगे? आप जरा होल्ड कीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ। आशा तुम्हारे डैडी का फोन है। डैडी का? हाँ। हेलो डैडी, गुड इवनिंग। जी हाँ मैं बहुत मजे में हूँ, मामा मामी के साथ छुट्टियाँ मनाने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ अंतु भी मजे में है, रसगुल्ले उड़ा रहा है। हाँ आप जल्दी आ जाएगा, बाय। मामा जी। हाँ बेटे। डैडी अगले हफ्ते बम्बई आ रहे हैं। अच्छा बड़ी खुशी की बात है। देखा अंतु, अभी अभी आशा ने लंदन से बात की थी, यही तो उपग्रह की करामात है। वो कैसे मामा जी? अरे वो हम तुम्हें कल बतलाएंगे विदेश संचार भवन में, अभी तो तुम खा लो ये रसगुल्ले।
कुमार जी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन फाइन, हाउ आर यू? ये आशा। हेलो आशा। और ये है अंतु। हेलो अंतु। नमस्ते। नमस्ते बेटा। इन्हें आपके विदेश संचार के बारे में कुछ बताइए। जरूर जरूर। देखिए, विदेश संचार निगम का अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज है। यहाँ पे हम जो आप देश विदेश के लिए टेलीफोन कॉल्स करते हैं उनको स्विच करते हैं, और स्विचिंग का मतलब होता है जब कोई नंबर अपने घर से डायल करते हैं विदेश के लिए तो आप हमको एक कंट्री कोड देते हैं। हर देश का एक कंट्री कोड होता है जिसे हमने सर्किट में बांटा हुआ है, तो हम उस देश का वो उस शहर का कोड नंबर डायल करते हैं। ऐसा करते ही संचार उपग्रह जिससे हमारा सीधा संपर्क है हमारा संकेत लेकर उस देश व उस शहर का संबंध हमसे जोड़ देता है, और लो हम विदेश से बातें करने लगते हैं। उपग्रह के द्वारा मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क किया जा सकता है, और ये अधिक खर्चीला भी नहीं होता। मामा जी, हमने देखा कि उपग्रह से टेलीफोन पे कैसे बात कर सकते हैं, मगर उपग्रह के और कौन से उपयोग हो सकते हैं? बेटे, उपग्रह से हमें बहुत से फायदे हो सकते हैं, जैसे कि मौसम की जानकारी इससे हमें मिलती है। वो कैसे मामा जी? वो ऐसे बेटे कि उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक सिंक्रोनस और दूसरा नॉन सिंक्रोनस। वो हम तुम्हें इस कैसेट में दिखाते हैं बेटे। सिंक्रोनस उपग्रह वो होता है जो पृथ्वी के साथ साथ समानांतर घूमता है, और नॉन सिंक्रोनस उपग्रह वो होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ उसकी परिक्रमा करता है। वो जहां जहां से गुजरता है वहां वहां के चित्र हमें यहां धरती पर भेजता है। अब कल हम मौसम कार्यालय में जाकर देखेंगे कि उपग्रह से चित्र कैसे आते हैं। ये चित्र हमें सीधे उपग्रह से प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों, उस कमरे में आपने उपग्रह से चित्र आते हुए देखा, और ये है मौसम का चार्ट। प्रारंभ में मौसम विज्ञान और वातावरण के अध्ययन के लिए गुब्बारा उड़ान का उपयोग किया गया। ये गुब्बारे भारतीय जलवायु के अनुकूल विशेष किस्म के पॉलीथीन से बनाए गए हैं, और -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में सक्षमता से काम करते हैं। इन गुब्बारों के द्वारा वातावरण में तापमान का उतार चढ़ाव, हवाओं का रुख व रफ्तार, और वर्षा व तूफान आदि का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। यह सच है कि गुब्बारों के द्वारा हम बहुत ऊंचाई से पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग को देख सकते हैं, लेकिन बादलों से बहुत ऊपर जाकर देखना संभव न था, और इसलिए हमारी जानकारी सीमित रह जाती थी। उपग्रह ने इस बाधा को दूर कर दिया, और अब अंतरिक्ष से सारी पृथ्वी को एक साथ देखना संभव हो सका। इससे हम वातावरण का विश्लेषण करते हैं, और उससे पता चलता है कि किस जगह में निम्न दबाव या उच्च दबाव का क्षेत्र है, और यहाँ पर हम अंदाजा करते हैं कि जहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र है वहाँ डेटा कम है। यह बादलों के चित्र हैं। बादलों से यह मालूम पड़ता है कि यह निम्न दबाव का क्षेत्र है। कभी कभी निम्न दबाव का क्षेत्र घना होता है और तेज होता है, और तब ये तूफान बन जाता है, और तूफान बनकर हमारे समुद्र तट पर आता है, और वहाँ का मौसम खराब हो जाता है। इस तरह हम पहले से बता देते हैं कि मौसम कहाँ कैसा होगा। दूरदर्शन व आकाशवाणी पर मौसम और जलवायु का हाल हम रोज देखते और सुनते हैं। ये चित्र भी आपको उपग्रह से ही मिलते हैं। हाँ बेटे, यह है नेहरू साइंस सेंटर। यहाँ तुम्हें बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या उपग्रह के बारे में भी? हाँ, उपग्रह और धरती के बारे में भी। चलो देखें। हाँ चलो देखेंगे। और ये देखो, यहाँ अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र हैं। बच्चों, यहाँ पर धरती अंतरिक्ष से सुबह से शाम तक कैसे दिखाई देती ये बताया गया है। ये फोटो तो उपग्रह से लिया है ना? हाँ। तो फिर हमें अपने उपग्रह के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, इसके लिए हम आपको एक फिल्म दिखाते हैं। चलो हम ऑडिटोरियम चलते हैं। Thank you.
सन 1957 में जब पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, तब हमारी धरती ने एक नए युग में, अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। हमारे देश में अंतरिक्ष योजनाएं सन 1963 से शुरू हुई थी। प्रारंभ में छोटे पैमाने पर हमने अपने कार्यक्रम शुरू किए। साउंड रॉकेट्स के प्रयोगों द्वारा वातावरणीय उतार चढ़ाव व भूमध्य रेखा पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव का अध्ययन किया गया। अंतरिक्ष से संबंधित अनेक प्रयोगों के लिए मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित किसी स्थान का बड़ा महत्व होता है, और चूंकि थुम्बा मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित है, इसलिए अंतरिक्ष संबंधी प्रारंभिक प्रयोगों के लिए ये स्थान उपयुक्त समझा गया। आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए शुरू से हमारा ये प्रयत्न रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक किसी भी साधन सुविधा के लिए हम किसी विदेशी सहायता पर निर्भर न रहें, और आज उसी का फल है कि हम अपने दम पर SLV जैसे फोर स्टेज कार्यक्रम फायरिंग रॉकेट लॉन्च करने में सफल रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक श्री विक्रम साराभाई ने कहा था, aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. जहां एक ओर हम मल्टी-स्टेज रॉकेट का विकास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हम विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए उपग्रहों का निर्माण भी कर रहे थे। आज तक हमने लगभग 12 वर्षों में 7 प्रकार के उपग्रहों का निर्माण किया है, और 4 स्टेज रॉकेट्स जिनकी 150 किलोग्राम का पेलोड अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता है का निर्माण हुआ। इसके बाद हम PSLV जिसकी क्षमता 205 टन की होगी के निर्माण में लगे हुए हैं। सबसे संतोष की बात तो यह है कि ये सभी कार्य हमारे अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा संपन्न हुए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम स्वयं अपना उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर सकेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रमों की उपलब्धियों को जनता तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने के लिए रूस और अमेरिका जैसे मित्र देशों की सहायता से हम अपना उपग्रह इनसेट 1 अंतरिक्ष में स्थापित करने में सफल हुए। इसके परिणाम स्वरूप आज जहां हम अपनी अंतरिक्ष क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं, वहीं प्रयोगात्मक दृष्टि से हमने 1975 में अपने मित्र देश अमेरिका की सहायता से संस्थापित संचार उपग्रह का उपयोग किया, और उसके द्वारा अपनी ग्रामीण जनता के लिए शिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन जैसे विभिन्न विषयों पर टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित किए। उपग्रह द्वारा संचालित टेलीविजन माध्यम के उपयोग के कारण ही लगभग 2400 गांवों तक इन कार्यक्रमों को एक साथ पहुंचाना संभव हो सका। सन 1981 में हम पूर्ण रूप से अपने ही देश में निर्मित उपग्रह एप्पल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सफल हुए, और लगभग 2.5 साल तक टेलीविजन प्रसारणों तथा अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोगों के लिए इसका उपयोग करते रहे। आज इन्हीं अनुभवों का नतीजा है कि हम अपने इनसेट उपग्रह का निर्माण करने में सफल हुए हैं, और आज हमारा दूरदर्शन संसार के किसी भी देश के कार्यक्रमों को तत्काल सीधा प्रसारित करने में सफल हुआ है। उपग्रह भास्कर हमारा प्रायोगिक मिशन था, जिसके द्वारा रिमोट सेंसिंग से देश का सर्वेक्षण किया गया। रिमोट सेंसिंग अर्थात दूर से किसी चीज की पहचान करना। उपग्रह द्वारा पृथ्वी से प्रतिबिंबित प्रकाश का विश्लेषण करके हम पृथ्वी तल की पहचान करते हैं। एक समय था जब हम रिमोट सेंसिंग के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे, लेकिन उससे हमें बहुत ही सीमित धरातल का छायाचित्र मिलता था। पर अब उपग्रह के द्वारा हम करीब करीब सारी पृथ्वी का छायाचित्र लेकर उसके गर्भ में स्थित खनिज, तेल और पानी इत्यादि का पता लगाने में समर्थ हुए हैं।
भास्कर उपग्रह के द्वारा हम ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने में सफल हुए हैं, जिससे हमारे देश के कृषि विज्ञान व भूगर्भ विज्ञान के विकास में काफी सहायता मिली है। उदाहरण के लिए भास्कर उपग्रह से रिमोट सेंसिंग द्वारा देश के वनों का सर्वेक्षण किया गया। गोदावरी नदी में आई बाढ़ के पानी का अंतरिक्ष से सर्वेक्षण व डूबे हुए गांवों की गणना भी उपग्रह रिमोट सेंसिंग द्वारा की गई। केरल में नारियल के वृक्षों में फैली बीमारी का पता लगाया गया। सेलाइन से बंजर होती जा रही अपने देश की जमीन का पता भी उपग्रह के द्वारा ही लगाया गया और उसकी रोकथाम कर हरित क्रांति को हानि से बचाया गया। साथ ही हिमालय की चोटी से पिघलने वाली बर्फ के घनत्व का पता लगाया गया। ये है अंतरिक्ष अनुसंधान का बेंगलोर केंद्र। ये देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ पर लगे ये बड़े बड़े डिस्क एंटीना उपग्रह से संपर्क बनाए रखते हैं और समाचारों तथा चित्रों का आदान प्रदान करते हैं। केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर यू आर राव का कहना है, Soon it was clear that we must utilize and harness space technology for practical benefits of this nation. And it's only through use of such high sophisticated technology we can take a quantum jump, not go through the step-by-step process. Provided we use the space technology in a unique, cost-effective way for the development of the nation. Therefore, the entire space program, which is based on the principle of self-reliance in terms of not only